अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों आप लोग, उम्मीद है खैरियत से होंगे सभी लोग। दोस्तों कुवैत से काफ़ी अच्छी खबर सामने आई है फ्लाइट को लेकर। अब ज़्यादातर भारतीय प्रवासी कुवैत में एंट्री करेंगे। दोस्तों जो भारतीय कुवैत जाना चाहता है तो दोस्तों वो उसके कंपनी मालिक के ऊपर है। अगर उसका मालिक उसे बुलाना चाहता है तो वो बुला सकता है, वरना बिना उसके आप कुवैत में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि अपने मालिक की दरख्वास्त के बिना आप कुवैत में प्रवेश नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। खबर क्या है दोस्तों, बड़ी खबर, कर लो तैयारी। 14 दिसंबर से इस अरब देश ने किया ऐलान, हुकूमत ने कह दिया कंपनी और मालिकों को। दोस्तों गैर मुल्की कामगारों को बड़ी राहत देते हुए कुवैत हुकूमत ने सभी गैर मुल्की कामगारों को वापस देश में बुलाने की इजाज़त दे दी है। सभी गैर मुल्की कामगार अब देश में 14 दिसंबर से लौट सकेंगे। कुवैत के मंत्रालय ने सभी मालिकों और कंपनियों के लिए एक वेबसाइट को जारी किया है, जिसकी मदद से वो कुवैत की हुकूमत से अपने कामगारों को बुलाने के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं और फिर वो अपने भारतीय कामगारों को वापस कुवैत बुला सकते हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए अपने कामगारों की पूरी जानकारी देनी होगी। मालिक और कंपनी को अपने कामगारों की उड़ान की भी तारीख को बताना होगा। जब कोई मालिक और कंपनी दरख्वास्त करेगी तो उन्हें उसके लिए कामगारों को एक सिविल आईडी दिलानी होगी और फिर उस सिविल आईडी को भी उन्हें उसी दरख्वास्त में जमा करना होगा। आपको बता दें कि कुवैत की सरकार ने 270 कुवैती दिनार भी रखा है और ये 14 दिनों के रहने खाने और 3 PCR टेस्ट के खर्च के बराबर है। कुवैत के मंत्रालय ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है और कुवैत के 58 रेजिडेंटल बिल्डिंग को आने वाले यात्रियों के लिए क्वारंटाइन की सुविधा के लिए बुक कर दिया है। इसमें सभी नागरिक, अब चाहे वो औरत हो या मर्द, सभी के लिए इसकी सुविधा की गई है। औरतों के लिए अलग से सुविधा कराई गई है। आपको बता दें कि सभी भारतीय प्रवासियों को लाने के लिए कुवैत एयरवेज और अल जजीरा एयरलाइंस दोनों कंपनियां यात्रा के लिए इसकी शुरुआत करेंगी। भारत से कुवैत आने वाले यात्रियों को 220 कुवैती दिनार का भी भुगतान करना पड़ेगा। आपको बताते चलें कि कुवैत में सभी कामगारों को मिलकर 80,000 घरेलू कामगारों के वापस आने की संभावना है। कुवैत में हर दिन 600 यात्री आया करेंगे। तो दोस्तों ये थी कुवैत से आ रही कुछ लेटेस्ट अपडेट जो मैंने आप तक शेयर करी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।